डियर स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे आज हम लोकेलिटी के बारे में स्टडी करेंगे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि हम मेमोरी को किस तरीके से एक हारखी में अरेंज करते हैं नाउ यहाँ पर बेसिकली लोकेलिटी जो है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आपका यूजफुल डाटा है उसको किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अरेंज किया जाए वी कैन से डैट द आइडिया ऑफ कैशिंग द यूजफुल डाटा सेंटर्स अराउंड ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज लोकेलिटी प्रोग्राम्स में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके थ्रू आप प्रॉपर्टीज को दिखाते हो बिहेवियर को आप मेथड्स के थ्रू शो करते हो तो जो हमारा डाटा होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम किस तरीके से रिफ़र करेंगे मेमोरीज में डेट इज़ नोन एज लोकेलिटी नाउ स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जो हमारे पास में प्रोग्राम्स होते हैं वो डाटा को बार बार एक्सेस करते हैं अगेन एंड अगेन हो सकता है कि वो डाटा मेन मेमोरी से एक्सेस हो रहा हो हो सकता है कि वो डाटा कैशे मेमोरी से एक्सेस हो रहा हो और हो सकता है कि वो डाटा इनसाइड द सीपीयू अपने रजिस्टर्स के थ्रू एक्सेस कर रहा हो तो यहां पर बेसिकली लोकेलिटी का मतलब ये होता है कि डाटा को आप एकॉर्डिंग टू देयर यूज फुलनेस आप उस डाटा को अरेंज करिए कंप्यूटर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज करता है मेज़ को मेन मेमोरी में रखना है या फिर हार्ड डिस्क में रखना है स्वैप इन करना है या फिर स्वैप आउट करना है तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स ऑफ गुड प्रोग्राम्स ऑफ गुड क्वालिटी टेंड्स टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ डाटा आइटम ओवर एंड ओवर अगेन फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ मेमोरी की हरक हम ये कह सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल हमारे पास में कैशे मेमोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट करती है फा, इसके इनसाइड ऐसे डाटा को रखा जाता है जो डाटा इजिली एक्सेसिबल होता है जिसको सीपीयू आपका मशीन बार बार एक्सेस करती है नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कैसे क्या है एक फास्टर मेमोरी है आर बिल्ट टू डील विथ प्रोसेसर मेमोरी गैप इन डाटा रीड ऑपरेशन जिसका बेसिक वर्क ये होता है कि प्रोसेसर और मेमोरी के गैप को कम कर देना क्योंकि जो डाटा बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल है जो डाटा बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है जो डाटा बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट वे में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है यानी कि रीड और राइट ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली परफॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर कैशे मेमोरी जो होता है उसकी लोकेलिटी को आप एक हाइयर लेवल पर रखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ये रीड और राइट ऑपरेशन आपके मेन मेमोरी में भी परफॉर्म करते हैं जिससे कि क्या होता है अगर हम जैसे जैसे मेमोरी हरखी में डाउनवर्ड आएंगे वैसे वैसे क्या होगा प्रोसेसर और मेमोरी गैप क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा मेमोरी हाय में सबसे पहले हमारे सी पी के रजिस्टर्स आते हैं फिर कैशे मेमोरी आती है फिर कैशे मेमोरी के लेबल्स आते हैं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर देन हमारे पास में मेन मेमोरी आती है तो इट मीन्स जैसे जैसे हम मेमोरी हाय के डाउनवर्ड्स आएंगे वैसे वैसे क्या होगा प्रोसेसर और मेमोरी का गैप जो होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा हमें ये पता है कि जो हमारा कैशे मेमोरी होती है वो मिडल ऑफ द सी पी रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के बीच में इंस्टॉल होती है और इसका बेसिकली वर्क क्या है कि जो टाइम ज़्यादा इलेप्स हो रहा है डाटा को एक्सेस करने में उसको कम कर देना इट इज़ बेसिकली यूज टू ब्रिज द टाइम गैप इन द डाटा रीडिंग डाटा को रीड करने में डाटा को एक्सेस करने में कितना टाइम लगा उस टाइम को कम करने के लिए सी कैसे मेमोरी का यूज़ किया जाता है नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कैशे की तो कैश जो होता है वो टेम्पररी स्टेजिंग एरिया जो हमारा सबसेट ऑफ डाटा है और इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर करने के काम में आता है और हम कह सकते हैं कि जो कैशे है वो इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी डाटा को फास्टली स्टोर करती है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी अब देखिए यहाँ पे हम लोकेलिटी की बात कर रहे हैं तो लोकेलेटी का बेसिकली मतलब है डाटा को कैश करना कैशिंग द यूजफुल डाटा सेंटर्स अगर हम डाटा सेंटर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है उसके इनसाइड डिफरेंट सेट ऑफ डाटाज हैं तो उन डाटा को आप कितनी जल्दी कैश कर लेंगे इट मीन्स कितनी जल्दी आप उसको एक्सेस कर लेंगे कितनी जल्दी आप उसको रीड ऑपरेशन में लेके जाएंगे या फिर आप उसको राइट ऑपरेशन में लेके जाएंगे तो डैट इज़ नोन एज लोकेलेलिटी तो जितने भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लोकेलिटी, जो हमारे यूज़फुल डाटा है उसको आप किस तरीके से मेमोरीज के इनसाइड सेव करें कि हमारा डाटा इजली एक्सेसिबल हो जाए नाउ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास में देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो इनसाइड जो एल्गो होता है वो आपका कर्नल परफॉर्म करता है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे बट इनकी ऑपरेशन परफॉर्म करने की डिग्री क्या होगी डिफरेंट होगी एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ लोकेलिटी एंड इट कैन वेरी फ्रॉम अप टू ट्वेंटी फैक्टोरियल नाउ स्टूडेंट्स अब जो लोकेलिटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक मेरे पास में टेम्पोरल लो, लोकेलिटी होती है और दूसरी मेरे पास में स्पेशियल लोकेलिटी होती है अगर हम टेम्पोरल लोकेलिटी की बात करें तो टेम्पोरल लोकेलिटी हमें ये बताती है कि जो हमारे सेम डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे यहाँ पर जैसे ही हमारे डाटा ऑब्जेक्ट्स कैशे मेमोरी के फर्स्ट मिस पे लिखे जाएंगे वहाँ पर नंबर ऑफ हिट्स परफॉर्म होंगी ऑन द सेम ऑब्जेक्ट जो कि आपका सीपीयू एक्सपेक्ट करता है तो हम कह सकते हैं द कैशे इज़ फास्टर देन द स्टोरेज एट द नेक्स्ट लोअर लेवल लाइक द मेन मेमोरी तो यहाँ पर जो होती है वो सेवरल हिट्स परफॉर्म किए जाते हैं आपके टेम्पोरल लोकेलिटी में तो हम कह सकते हैं दीज सब्सिक्वेंट हिट्स कैन बी सर्वड मच फास्टर देन द ओरिजिनल मिस नाउ स्टूडेंट्स तो टेम्पोरल लोकेलिटी में हमेशा जो हमारे पास में जो डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ किया जाता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग नाओ अब हम बात करते हैं स्पेशियल लोकेलिटी की तो जो हमारी स्पेशियल लोकेलिटी कहती है कि डाटा ऑब्जेक्ट जो होगा रिफ्रेंसड किया जाएगा एट ए वंस देन देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी डैट इट्स नेबर डाटा ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी रिफ्रेंसड इन नियर बाय फ्यूचर इट मीन्स यहाँ पे हम डाटा ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ग्रुप करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है तो वहाँ पर आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रेगुलरली एक्सेस हो रहे हैं उनको सेम एरिया में स्पेस दे दिया जाएगा बट टेम्पोरल में क्या था टेम्पोरल में वहाँ पर अगर सेम डाटा ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स तो वहां पे मल्टीपल हिट्स परफॉर्म किए जा रहे थे बट स्पेशल में ऐसा नहीं है स्पेशल में अगर एक डाटा ऑब्जेक्ट रिफ़र हो रहा है तो इन द नियर बाय फ्यूचर जो आसपास के जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी हाइयर है एक्सेस करने की नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो मल्टीपल डाटा ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशल लोक हम ये कह सकते हैं कि इनको जो कॉस्ट ऑफ कॉपिंग होगी ए ब्लॉक आपने हिट किया वो हिट मिस हो गया इट मीन्स एमोटाइज होगी इसमें सब्सिक्वेंट रेफरेंस आएंगे किसी अदर ऑब्जेक्ट को विद इन द ब्लॉक एक्सेस करने के लिए इट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट क्या आती है कम आती है इन कंपैरिजन टू टेम्पोरल लोकेलिटी नाउ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस क्या है लोकेलिटी की देखिए जो हमारी लोकेलिटी होती है वो एक मेजर इम्पैक्ट लेके आती है डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आपको ये बताया गया कि जो हमारे प्रीवियस कंप्यूटर्स थे वो डाटा को एक्सेस करने में काफ़ी टाइम लेते थे उनका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करना उनका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करना एक मेजर टाइम एलैप्स होता था मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया गया और इस टाइम को कम किया गया तो इसी तरीके से लोकेलिटी लोकेलिटी आपको ये बताती है कि डाटा को आपको किस किस तरीके से अरेंज करना है आपका सी पी यू डाटा को किस मेमोरी में सेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रेफरेंस मैनर आजकल हमारे पास में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या फिर जितने भी हमारे पास में एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो इस तरीके से बिल्ड किए जा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकेलिटी को फुल एक्सटेंट में यूज़ कर सकें अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलेटी है वो आपको अलाउ करता है कि सिस्टम जो है यूज़ करे मेन मेमोरी को एज़ ए कैशे ऑफ़ द मोस्ट रिसेंटली रेफरेंस्ड वर्चुअल एड्रेस जिस तरीके से कैशे वर्चुअल एड्रेस को रेफर करती है उसी तरीके से आपकी मेन मेमोरी भी ईजिली वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस कर सके इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकेलेलिटी बताता है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास में वेब ब्राउज़र्स होते हैं वेब ब्राउज़र बेसिकली एक्सप्लॉयड करते हैं टेम्पोर लोकेलिटी को यहाँ पे क्या होता है बाय कैशिंग रिसेंटली रेफरेंस डॉक्यूमेंट ओन ए लोकल डिस्क आपने देखा होगा कि जब आप साइट्स को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे लिखे आता है कि कुकीज़ सेव हो रही हैं तो बेसिकली ये कुकीज़ हैं क्या ये टेम्पोरल रोकेलिटी को बताती हैं आप पहली बार किसी साइट को एक्सेस करेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो वो साइट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एक्सेस थोड़ा कम टाइम लेगी और इजली एक्सेसिबल हो जाएगी तो ये जो है आपकी टेम्पोरल रोकेलिटी है मैं आशा करता हूँ कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा धन्यवाद